जानकारी यही मिल रही है पंजाब के फिलौर से कि वहां पे जो एमएलए कांग्रेस पार्टी के बताए जाते हैं जो चीफ व्हिप का भी जो पद संभालते थे, अब उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। जानकारी फिलहाल ये मिल रही है कि वो चरणजीत सिंह चन्नी, जिनका नाम जलंधर से बाहरी किया जा रहा था कि शायद वो वहां से चुनाव लड़ सके, उसके ऊपर वो अपनी आपत्ति जताते हुए बताया जा रहा है कि कांग्रेस के अंदर इनफाइटिंग चल रही है पंजाब में और वो नहीं चाहते थे कि चरणजीत सिंह चन्नी को वहां जलंधर से चुनाव लड़ने के लिए टिकट दी जाए। हमारे साथ अमनदीप जुड़ रहे हैं। अमनदीप, जहां तक अगर ये बात की जाए फिल्लौर के एमएलए, आखिरकार इस तरह की क्या स्थिति बन गई विक्रमजीत चौधरी ने कि उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया? जी देखिए अमिता, विक्रमजीत चौधरी उस परिवार से हैं जिनके संतोख सिंह चौधरी के बेटे हैं। संतोख सिंह चौधरी जो कि सिटिंग एमपी थे जलंधर से और जिनकी डेथ हो गई थी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान, और उसी वजह से परिवार चाह रहा है कि ये टिकट जो है वो परिवार तक ही सीमित रहे, क्योंकि उनके पिता ने दे ही हैज गिवन द ह्यूज कॉन्ट्रीब्यूशन टू द पार्टी एज वेल। बट ऑल ऑफ सडन व्हेन चन्नी स्टार्टेड हिज कैंपेन इन जलंधर, तो दिस फैमिली रिमेन वेरी मच अपसेट एंड दैट इज द रीजन विक्रम चौधरी जो कि सिटिंग एमएलए है फिलौर से, उन्होंने चीफ व्हिप से रिजाइन दे दिया। उनके रिजाइन देने के बाद कल शाम को ही एक जो मीटिंग है वो कन्वे कर दी गई देवेंद्र यादव की तरफ से सारे जो पंजाब के सीनियर कांग्रेस लीडर्स हैं, क्योंकि कांग्रेस में फिर से एक बार क्राइसिस शुरू हो चुका है एंड टू डील विद दिस क्राइसिस बिफोर द टिकट्स अनाउंस बाय द कांग्रेस पार्टी दे वांटेड टू रिजॉल्व द सेंटिमेंट अगेंस्ट द कांग्रेस पार्टी विद इन द कांग्रेस पार्टी एंड दैट इज द रीजन दिस मीटिंग हैज बीन कॉल्ड। एंड इन फैक्ट नॉट ओनली वन सीट, देयर आर सेवरल अदर सीट्स आल्सो where the leaders are facing the resentment of the party leaders just because the candidates are being reshuffled from one place to another. And Vikramjit Chaudhary claimed that Channi is basically from Chamkaur Sahib, which is in the Anandpur Sahib Lok Sabha. And in fact, if he wanted to contest, why should not he go to the Anandpur Sahib Lok Sabha seat? Why he is intervening to Jalandhar just because he has no political ground in Jalandhar? So these are the claims that are going on within the Congress party. And today, very important meeting has been scheduled and conveyed by Devendra Yadav. चलिए आपत्ति जताते हुए कि शायद चरणजीत सिंह चन्नी जो अपने आप को एक फ्रंट रनर खुद ही घोषित कर रहे हैं कि जालंधर से उन्हें टिकट दी जाएगी कांग्रेस पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ने के लिए, वहीं पर विक्रमजीत चौधरी, he has now resigned as the Congress chief whip in the state of Punjab. अमनदीप, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। यू आर वॉचिंग द मॉर्निंग न्यूज आवर, वी विल बी बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक।